विश्व हिंदू परिषद पश्चिम बंगाल द्वारा हुतात्मा दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। 30 अक्टूबर 1990 में कोठारी बंधु कार सेवक अयोध्या में दोनों भाई जो शहीद हुए उसके उपलक्ष्य में हर वर्ष हुतात्मा दिवस के रूप में रक्तदान कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया एवं रक्त परीक्षण भी करवाया, जिसमें अनेक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। रक्तदान में उपस्थित कार्यकर्ता जिन्होंने रक्तदान किया, विभाग मंत्री सुरेश शर्मा, जिला मंत्री लक्ष्मी नारायण ओझा, जिला संयोजक भूपेंद्र कुशवाहा, सह संयोजक भोलू रघुवंशी, यात्रा संघ प्रमुख संजीव कुशवाहा, सह प्रचार प्रसार प्रमुख दीपक गोड़, धर्म प्रसार प्रमुख कमल सिंह लोधा, सेवा प्रमुख राजेंद्र सिंह परिहार और माँ शक्ति दुर्गा वाहिनी एवं अनेक कार्यकर्ताओं ने रक्तदान एवं रक्त परीक्षण करवाया। आज का ये रक्तदान कार्यक्रम है, 30 अक्टूबर 1990 से ये चल रहा है। 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में हिंदू समाज के लोग और विश्व हिंदू परिषद दल के कार्यकर्ता हिंदू जो गए और उसने जो हिंदू समाज के ऊपर जो कलंक लग रहा था बाबरी ढांचा नाम से, उसके ऊपर ये कोठारी बंधु दोनों भाई सगे ऊपर चढ़े और उस पे से उस समय मुलायम सिंह की सरकार थी तो मुल्ला मुलायम सिंह ने कह दिया था कोई भी परिंदा पर नहीं मार पाएगा। ऐसी स्थिति में ऊपर ढांचे पर गए, वहाँ से उनको पकड़वा कर नीचे लाकर उनको गोली मार दी। तो उसके बाद में हम बजरंग दल जो है हुतात्मा दिवस के रूप में मनाता है हर वर्ष 30 अक्टूबर को, मतलब जो है 30 से 31 अक्टूबर को हम हुतात्मा दिवस के रूप में सभी कार्यकर्ता रक्तदान का कार्यक्रम रखते हैं, रक्तदान देते हैं। आज लगभग कितने लोगों ने रक्तदान किया था? आज रक्तदान होना है, कार्यकर्ता आएंगे लगभग 20-25 के बीच में। गुरुराज रणधीर चंदेल की ये रिपोर्ट।